वेलकम टू हमारे चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चले कहानी आगे देखते हैं। येली अपने डिवाइन पावर्स से सांगयान को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब येली की शक्ति भी पूरी खर्च हो गई थी। लिंगलोंग उसे बता रही थी कि आप अपनी डिवाइन एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, डिमन लॉर्ड के हार्ट तक पॉइजन पहुंच चुका है, कोई उससे ठीक नहीं कर सकता। येली कहता है, ऐसा मत कहो, ये इम्पॉसिबल है, मैं ये नहीं मानता। तुम्हारे पास कौन सी जड़ी बूटियां है, वो सब उस पे इस्तेमाल करो। लिंगलोंग रोती हुई कहती है, लेकिन मैंने पहले ही वो सब उस पे इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और अब एम्परर के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। फॉक्स भी येली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन येली हार मानने को तैयार नहीं था। वो ग्लूटोन से कहता है, उसे उठाओ, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और वो फिर से सांगयान को अपनी डिवाइन एनर्जी से ट्रीट करने लगा। वो सोच रहा था कि मैं अपनी सारी डिवाइन एनर्जी इस्तेमाल कर दूंगा, बस मुझे उसकी आखिरी धड़कन मेरी पूरी स्ट्रेंथ से बचानी है। जब तक वो होश में नहीं आता तब तक मैं ये करता रहूंगा और कैलेमिटी फायर को सप्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। आयन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाँ वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। बाकी सब दूर खड़े रह के देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। फॉक्स सोच रहा था कि येली अभी किसी की नहीं सुन रहा और वो भी मनी के कगार पे आ गया है, और ऊपर से सांगयान भी होश में नहीं आ रहा। येली भी अब बहुत ज्यादा थक चुका था। सांगयान की बॉडी पे जला हुआ हिस्सा स्प्रेड होना बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली उसे होश आ गया। वो येली को बुलाता है और उसे रुकने को कहता है और उसके हाथ नीचे कर देता है। येली कहता है, आयन तू फाइनली उठ गए, थैंक गुडनेस। क्या तुम्हें पता है अभी ही तुम्हारी इंजरीज बढ़ने लगी थी, बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई थी, जल्दी तुम अपनी येन एनर्जी का इस्तेमाल करो। सांगयान कहता है, आली ऐसी कोई पावर नहीं जो कैलेमिटी के अगेंस्ट लड़ सके, वो दुनिया की कोई भी चीज़ को उसे जला के रख देती है, कोई इससे नहीं भाग सकता, मैं भी नहीं। तो येली ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक गया कि क्या वो फायर दुनिया की सारी चीज़ों को जला सकती है। और वो कहता है, तो ये तुम्हें पहले से पता था कि तुम उस आग के आगे नहीं टिक सकते। सांगयान खासता हुआ कहता है, इस सवाल का जवाब तो देना मुश्किल है, मैं तो बस अपने लक पे बैटिंग कर रहा था और आखिर में मैं बहुत तन लगी था, मैं वो बैट हार गया। येली कहता है, नहीं तुम्हें डेफिनेटली ये पता था कि तुम इससे हार जाओगे, लेकिन फिर भी तुमने उसे ब्लॉक करने के लिए अपनी बॉडी इस्तेमाल की। सांगयान उसे कह रहा था, लेकिन येली उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है। बाकी सब बहुत डर गए कि अभी वो इंजर्ड है और वो क्या कर रहा है। येली सांगयान पे गुस्सा करता है कि और तुमने येन एनर्जी वाली बकवास की थी, मैं तो देख ही नहीं सकता, तो तुमने मुझे ट्रिक कर लिया और मुझे ऐसा बना दिया। लिंगलोंग येली को रोकती है कि प्लीज काम डाउन, वो अभी भी इंजर्ड है। सांगयान येली के पंच को ब्लॉक कर देता है और स्माइल करके कहता है कि ओह माय डियर वाइफ, तुमने सच में मुझ पर अटैक कर दिया। देखो ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तुम मेरे दिल में सबसे प्यारे हो, वो मेरे स्टूपिड लिटिल ब्रदर्स है। उस वक्त मैं क्या करता, क्या मैं सब देखता रहता और तुम सबको हर्ट होने देता? अगर मैंने वो क्विक डिसीजन नहीं लिया होता तो हम सब में से कोई भी वापस नहीं आ पाता, तो मुझे मेरा एंड करना ही था। येली रोने लगा और ग्लूटोन भी रोने लगा और कहने लगा कि बिग ब्रदर, तुम हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, अगर तुमने इस तरह से मरने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। मैं हर रोज़ तुम्हारी ग्रेव के पास जाके अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, ड्रिंक करूंगा और गाने गाऊंगा। सांगयान कहता है, तुम तो सच में मेरे ब्रदर नहीं हो। डिसेंट और स्टूबोन भी रोने लगे। स्टूबोन कहता है, मैं बिग ब्रदर कियोस को नहीं मरने देना चाहता, बिग ब्रदर डिसेंट जल्दी कुछ तो सोचो। लेकिन डिसेंट क्या कर सकता था। येली सबको चुप होने को कहता है और कहता है, सब जाओ यहाँ से, मुझे आयन के साथ थोड़ी देर अकेले रहने दो। तो सब दूर चले गए। फॉक्स कहता है, अगर वो मर गए तो फिर से जन्म लेंगे, तुम लोग हर बार वापस आते हो है ना, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 साल या 10 साल है ना। लेकिन वो तीनों कुछ नहीं बोल रहे थे। फॉक्स कहता है, कुछ तो कहो, तुम क्या सब गूंगे हो गए हो। स्टूबोन कहता है, वो तो सिर्फ हेवनली लो ही था जो कैलेमिटी फायर को कंट्रोल करता था, अगर इससे किसी की जान जाए तो इसे ब्रदर कियोस के रीइंकार्नेशन पे भी असर होगा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। डिसेंट कहता है, हेवनली लो तो अब गायब हो गया है, तो अब इस दुनिया के नियम बदल गए होंगे, अभी सब कुछ अननोन है। ग्लूटोन कहता है, अब किसी को ये पता नहीं कि कियोस कब वापस आएगा। सांगयान जैसे तैसे करके उठता है और कहता है, आली आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जानबूझ के ट्रिक नहीं किया था, वो बस मैं ऐसे समय में तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहता था। तुम्हारे मॉम डैड नहीं थे तो मैं बता सकता हूँ कि तुम उस हार्टलेस ओल्ड मैन को बहुत मानते थे। येली कहता है, तुम इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े इडियट हो,
और वो सांगयान को गले लगा लेता है और रोता हुआ कहता है, बहुत बड़े इडियट, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब खुद को बहुत हेट करता हूँ। इस पूरी दुनिया को बचाने की कीमत में मुझे मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ा? आयान, अब मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सांगयान को डिजीनेस होने लगा था। वो कह रहा था कि आली रो मत, लेकिन वो आगे बोल ही नहीं पाया। उसमें इतनी सी भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। यली सोचता है उसे क्या हुआ, उसमें अब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची। उस आग का पॉइजन उसके हार्ट तक पहुँच गया। लिंगनम सच बता रही थी, आयान के पास सच में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन मैं हूँ कि अब भी अपना रोना बंद नहीं कर पा रहा हूँ और वो अब भी मुझे कम्फर्ट दे रहा है। वो रोता हुआ बहुत फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है, आयान देखो मैं नहीं रो रहा हूँ, तुम जल्दी ही पुनर्जन्म ले लोगे और हम जल्दी ही मिलेंगे। सांगयान उसे देख के सोचता है, आली वो तुम्हारी स्माइल वो किसी को भी ट्रिक नहीं कर सकती। और वो कहता है, अच्छा ठीक है तो फिर मेरे वापस आने का इंतज़ार करना और फिर मैं तुम्हें 100,000 गुना प्यार करूँगा। मुझे तुमसे बहुत सारा प्यार चाहिए, जितना प्यार मैं तुम्हें देता हूँ। तुमने पहले कभी मुझे इतना प्यार नहीं दिखाया, एक बार भी नहीं। येली कहता है, क्या ये तुम फिर से क्या बकवास कर रहे हो? सांगयान कहता है, मुझे पता है कि तुम सबको अपने दिल में रखते हो, मुझे तुम्हारे दिल में सिर्फ थोड़ी सी ही जगह मिलती है। येली सोचता है, सच में तो उसकी नज़र में मैं ऐसा हूँ? सारा मेरा ही कसूर है कि वो ऐसा फील कर रहा है। मैं आयान को ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ही ज़्यादा अनफेथफुल हूँ, मैं ही हमारी फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सांगयान कहता है, आली चलो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें बहुत बहुत क्विकली मुझे ढूंढना होगा, मुझे अकेले ही तुम्हारा इंतज़ार करते छोड़कर मत जाना। मैं अब तुमसे ये बैग नहीं करना चाहता कि तुम फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तुम्हें खुद से मुझे हक करना होगा, अपनी मर्जी से तुम मुझे अपने पास रखना और मुझे कभी छोड़ के मत जाना। येली कहता है, हाँ ठीक है मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें टाइटली हक करके रखूंगा और तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। सांगयान कहता है, हम फिर कुंजू माउंटेन रिस्टोर कर लेंगे, वहाँ बहुत बहुत सारे पीच ब्लॉसम्स उगाएंगे। जब स्प्रिंग का मौसम आएगा तो आली उस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ अपने नंगे पैरों को हिला रहा होगा और मेरी ओर स्माइल कर रहा होगा। हमें अब भी हमारी वेडिंग नाइट भी तो मनानी है, फिर हम वो हर रात करेंगे और हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। येली कहता है, रुको ये शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि येली एक फ्लावर डीमन है तो वो फूल की कलियों को जन्म दे सकता है, लेकिन अभी उसका पुनर्जन्म हुआ है तो वो कैपेबिलिटी अभी उसके पास नहीं आई है। सांगयान ये सुन के पाउट करता है और चुप हो गया। तो येली कहता है, ओके ओके ठीक है, नाराज मत हो, मैं फ्लावर डीमन की ब्लड लाइन को अवेकन करने की पूरी कोशिश करूँगा और हमारे भी बहुत सारे बच्चे होंगे। सांगयान कहता है, मुझे एक किटी हाउस भी चाहिए। येली कहता है, हाँ मैं स्टिंकी के लिए वो बनाऊँगा, वो बहुत सॉफ्ट और वार्म होगा। सांगयान कहता है, और मुझे शुगर पेस्ट्रीज भी चाहिए, बहुत टेस्टी वाली। येली ज़ोर से कहता है, हाँ मैं वो तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट पूरी करूँगा, सारी की सारी। और वो सांगयान को किस करता है। फिर वो कहता है, हमने अब तक जो कुछ भी नहीं किया वो सब हम करेंगे, चाहे हम जहाँ भी रहे हमेशा साथ रहेंगे। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं तुम्हारे सिवा किसी की भी केयर नहीं करूँगा। लेकिन अब सांगयान की आंखें बंद हो गई थी। येली कहता है, आयान क्या तुम अब भी सुन रहे हो ना, मैं कुछ भी देख नहीं सकता, तुम मुझसे बात करना बंद मत करो। फिर बहुत रात हो गई थी। येली अभी तक सांगयान को अपनी गोद में ही ले बैठा था और सोच रहा था कि अब विंटर चला गया है तो स्प्रिंग लौट आएगा, जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वो सब साथ होंगे। मैंने तुम्हारे साथ रहने की कसम खाई है, इस बार मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो तुम्हें जल्दी ही वापस आना होगा। तभी वहाँ ग्लूटोन आता है और येली को बुलाता है। तो येली कहता है, ग्लूटोन तुम्हारा बिग ब्रदर सो गया है, क्या तुम प्लीज़ आखिरी एक काम में मेरी हेल्प करोगे? तो फिर ग्लूटोन और बाकी सब येली के साथ रुओशिंग सी चले गए। येली ने वहाँ अपनी डिवाइन एनर्जी से एक बैरियर बना दिया था और किसी को भी अंदर आने से मना कर दिया। तब से येली ने सच में पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। वो उस जगह से कभी बाहर ही नहीं निकला और किसी को अंदर भी नहीं आने दिया। फिर 10,000 साल बीत गए, सब लोग सिर्फ बैरियर के बाहर से ही देख सकते थे। इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक जगह बर्फ से जमी है। अभी सांगयान का रीइंकार्नेशन भी नहीं हुआ। ग्लूटोन कहता है, मास्टर येली कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे, क्या वो अब हमें भी नहीं चाहते? फॉक्स कहता है, उसे दोष मत दो, वो बहुत दुखी है, ऐसे वक्त में वो किसी का भी कंफर्ट नहीं चाहता होगा, मुझे तो डर है कि वो कहीं पागल ना हो जाए। डिसेंट कहता है, सब बदल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे हेवन लिलो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, या शायद नया हेवन लिलो जन्म लेने वाला है। स्टबन कहता है,
हेवनली एम्परर और बिग ब्रदर कियोस के बिना अगर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो हम क्या करेंगे? युनहुआ कहती है, मनुष्य लोग के 12 सेक्ट भी अब बिखर गए हैं, अब कोई किसी को कोऑपरेट नहीं करता। क्या मास्टर सच में अब किसी की केयर नहीं करते? फॉक्स कहता है, ग्लूटोन क्या तुम्हें वो गोस्ट अंकल याद है? वो शावली के एडोप्टिव फादर जैसे थे, वो उसके बहुत क्लोज थे। क्या हम उससे ढूंढ के यहाँ शावली को मिलने बुला सकते हैं? ग्लूटोन कहता है, सही कहा मास्टर, ये लिए उससे ज़रूर मिलेंगे। लिटल फॉक्स तुम बहुत स्मार्ट हो, तो हमें पहले अंडरवर्ल्ड जाके उसे यहाँ बुलाना होगा। रोशन सी बैरियर के अंदर बहुत हाई लेवल की ठंड रहती है और एकदम सुनसान माहौल रहता है। येली ज़्यादातर वक्त सांगयान की बॉडी के पास ही बैठ के सब सोचता रहता है कि आई एम सॉरी, आखिर में भी मैं तुम्हें जिंदा कर नहीं ला पाया। मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके तुम्हारी बॉडी तो रिस्टोर कर ली, लेकिन तुम कब उठोगे? तुम्हारा आली तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। स्प्रिंग गॉड येली ने यहाँ खुद को बंद कर लिया, जहाँ अंतहीन आइस कोल्ड स्नो है। उसने खुद को हमेशा के लिए इस प्रिजन में कैद कर लिया है। वो इसी तरह से खुद को सजा देना चाहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।